बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाने लगे बहुत आसान और बहुत यमी सी रेसिपी। चले आपको तरकीब बताने लगे हैं हम इसकी। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से ये सब चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। ये बैंगन और आलू मैं बनाने लगी होंगी। आधा किलो मैंने इसके अंदर बैंगन लिए और 1 पाव मैंने इसके अंदर आलू लिए, क्योंकि आधा किलो बैंगन इसलिए लिए थोड़े ज़्यादा, क्योंकि पक के थोड़े कम हो जाते हैंगे, भुने भुने बनते हैं, तो इसलिए मैंने 1 पाव आलू डाला है और आधा किलो मैंने बैंगन डाले हैं। ये देखें आधी प्याली मैंने ऑयल ले लिया है। अब बघार लगाने के लिए मैं इसको आपको बताने लगी हूँ। 1 स्पून ज़ीरा 4-5 के करीब जो है चॉप कर लिए मैंने। लहसुन और करी पत्ता ये बघार लगाएंगे। अब ये मसाले हैं हमारे, नमक डाला, हल्दी, कुटी मिर्ची, हल्दी आधी से भी आधी स्पून, कुटी मिर्ची 1 स्पून और नमक तो आपको पता है। और मैंने इसके अंदर टमाटर ले लिए 2 अदद, 4-5 हरी मिर्च ले लिए, 2-3 अदद मैंने हरी मिर्च ऊपर डालने के लिए ली, और इमली के भी मैंने 5 से 6 लिए हैंगे। इसमें 5 से 6 जो है बीच मैंने इमली के निकाल के रख लिए हैंगे, वो भी इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से अब मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अब हम गरम होने देंगे जब तक ऑयल गरम ना हो जाए। देखिए मेरा ऑयल जो है गरम हो चुका है, ये ऑयल मेरा गरम हो चुका है। अब इसके अंदर हम बघार लगाएंगे। ज़ीरा लहसुन और कड़ी पत्ता, ज़ीरा लहसुन और कड़ी पत्ता हमने लगा दिया है। ये देख लें ज़ीरा लहसुन और कड़ी पत्ता, अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो नहीं डालें, आप कड़ी पत्ता नहीं है तो 2 अदद मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटर मैंने जब इसके अंदर ऑयल के अंदर डाले तो ये याद रखिएगा, जब ऑयल के अंदर गरम ऑयल के अंदर हम टमाटर डालते हैं तो इसकी भी खुशबू इसका भी जायका चेंज हो जाएगा। ये कुटी मिर्च डाली है, हल्दी डाली है और मैंने इसके अंदर नमक डाला। कुटी मिर्च 1 स्पून के करीब डाली है और हल्दी मैंने आधा स्पून से भी कम डाली, और नमक तो आपको पता अपने हिसाब से डालते हैंगे, जितना आप नीड हो उतना डालें। अब इसको हम टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। जब हमारे टमाटर भून चुकेंगे तो इसके अंदर हमने और चीज़ें डालनी है, वैसे भूनने से पहले नहीं डालनी है। ये देखिए मैं टमाटर भून रही हूँ। ये देखिए अच्छे से ये मैं टमाटर भूनने के बाद हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च 4 से 3 मेरी हरी मिर्च थी, ये इमली की जवे मैंने डाल दिए हैंगे, 5 या 4 के करीब ही हैं बस। इमली से जायका चेंज हो जाता है, बहुत मज़ेदार ये बैंगन आलू बन के तैयार होते हैंगे। अब मैंने इसके अंदर आलू और बैंगन डाल दिए। आलू मेरे जो है 1 पाव, बैंगन मैंने जो है आधा किलो ले लेंगे। देखिए मैंने बैंगन को काट के पहले से ही पानी में रख दिया था, आप लोग भी यही करिएगा, नहीं तो बैंगन जो है काले हो जाते हैं, काले फोरी काले हो जाते हैं बैंगन, तो इसलिए फोरी काटने के बाद आपने इसको पानी में डाल दें। ये देखिए पानी डाल के मैं इसको ढक दूंगी। तकरीबन ढकने के बाद 10 मिनट बाद मैं देखूंगी
कि ये आलू गल गया है या नहीं गलाएगा। पानी डालने के बाद ढकना है और 10 मिनट तक तो हमने वेट करना ही है। और अगर आपने मीडियम रखी हुई आज तो 10 मिनट, अगर तेज़ रखी हुई है तो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये देखिए मैं 10 मिनट बाद देखने लगी हूँ तो अब भी इसमें बैगन तो बन के तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से माशाल्लाह से, लेकिन आलू अब भी मेरे कच्चे हैंगे तो इसके अंदर मैंने और थोड़ा बहुत पानी डालना होगा क्योंकि आलू में कच्चापना है, थोड़ी बहुत कसर रहेगी। तो हम कसर भी क्यों छोड़ें, इसके अंदर हम पानी डाल दे देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। ठीक है, ये देखिए हमने पानी डाल दिया है और इसको भी हम ढकेंगे और 5 मिनट बाद देखेंगे कि इसका क्या हाल चाल है। ठीक है, क्योंकि पानी हमने बहुत कम डाला है, 5 मिनट काफ़ी है इसमें। ये देखिए मैं भूनने लगी हूँ इसको, पानी खुशक करना, हमने भूनना बांधना है क्या समझ लिया। भून तो हम पहले ही चुके थे मसाले को बहुत अच्छे से, अभी पानी पूरा खुशक करना है। पूरा खुशक पानी हो जाएगा तो ही समझ लिया बैगन बन के तैयार हुए हैं हमारे। लाइट चली गई थी अचानक से, देखा अभी आई है आपके सामने, मेरे घर में लोड शेडिंग हुई है। वैसे तो आजकल सबके घरों में यही हाल है। दो 3 मैंने बड़ी हरी मिर्च डाली है, इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। ये देख लें बिल्कुल एंड में डाली है, जब सब कुछ पकना तैयार होने वाला हो जब मैंने एंड में डाली है। शुरू ये नहीं कि ज़्यादा चीज़ में पानी में डाल दें क्योंकि हमने इसको दम पे लगा के नरम नहीं करना है, बस इसको सब कड़क कड़क सी रखनी है और ये कड़क कड़क से खाने में ही मज़ेदार और टेस्टी लगेंगी हमको। अच्छा ये देखें ऑयल हमारा मैक्सिमम आ चुका है, 2 से 3 मिनट हमें और लगेंगे, पक्के तैयार हो चुका है ये ऑयल। देख लें आपके सामने आ रहा है ये, ये आलू हमारे भुन चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से बिल्कुल से। हमने ऑयल में पानी करा, वो पानी ख़त्म करने था, ऑयल लाना था और वही हमने करा है। बहुत मज़ेदार बहुत टेस्टी सी होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से आलू बैंगन बन के तैयार हो चुके हैं। चलो मिलती हूँ अगली वीडियो में इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।